हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक गुप्ता और आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप फॉर श्योर केमिस्ट्री का फोड़ोगे अपने एग्जाम में, ठीक है। और हां, डूज एंड डोंट्स भी मिलने वाले हैं। वो गलती बताऊंगा जिसके कारण 90% बच्चा जेईई या नीट में सेलेक्ट होता ही नहीं है। तो अगर आप एक्चुअली में केमिस्ट्री को ढंग से करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 10 प्रैक्टिकल टिप्स की अपन शुरुआत करते हैं। बहुत क्रिस्प और क्विक वीडियो होने वाला है, आपको बहुत जल्दी चीजें यहां पे समझ में आ जाएगी और एकदम एंड टू एंड हम इसको पूरे अगले 2 साल तक फॉलो करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यार देखो, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री आपके तीनों सब्जेक्ट में सबसे आसान सब्जेक्ट होने वाला है। केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट होता है जो जनरली सेलेक्शन करवाता है। केमिस्ट्री वो वाला सब्जेक्ट होता है कि अगर जिसको आपने पकड़ के चल लिया तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा, आपके मार्क्स आते रहेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 की हम शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि केमिस्ट्री मिनिमम टाइम लेता है और मैक्सिमम मार्क्स देता है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की सबसे बड़ी पावर यह है, खासकर जो केमिस्ट्री के 2 पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उनका क्वेश्चन देखते ही से ही समझ में आ जाता है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि अगर क्वेश्चन लंबा खिंच गया, अगर आपने ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन को डिवोट कर दिया तो आप डिमोटिवेटेड फील करते हो। आपका एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम चल गया तो दूसरे क्वेश्चन में कम टाइम बचता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, वो ये है कि आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम मार्क्स लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जेईई वाले बच्चों की बात करूं तो उनको फिजिक्स और मैथ्स के पेपर में एक सवाल को करने में 3 से 4 मिनट मिनिमम लगते हैं। वहीं पे अगर केमिस्ट्री का सवाल है तो ऑन एन एवरेज वो 1.5 से 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले समझने की बात ये है कि जो आपको फिजिक्स और मैथ्स 4 मिनट में 4 नंबर लाके देगा, केमिस्ट्री का वही ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 मिनट में एक क्वेश्चन 4 नंबर लाके दे देगा। तो बेसिकली अगर आपको सिलेक्शन पक्का करवाना है, बहुत लो स्कोरिंग एग्जाम होता है, तो आपको केमिस्ट्री को ढंग से करना पड़ेगा। फिजिक्स और मैथ्स तो फिर भी बहुत टफ आ जाते हैं जिसमें नंबर नहीं आते, पर केमिस्ट्री का लेवल ऐसा आता है कि अगर आपने 2 साल जो भी हम पॉइंट्स बताएंगे उनको ढंग से फॉलो कर लिया तो आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आप ओवरऑल पेपर में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा जहन में रखना, जब भी आपकी केमिस्ट्री आपको तंग करने लगे, जब याद करने में प्रॉब्लम आने लगे, जब ऐसा लगने लगे कि यार एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं, केमिस्ट्री एक्सेप्शंस के लिए बदनाम है, याद करने के लिए बदनाम है, बैक ऑफ द माइंड में ये चलाते रहना कि नंबर तो केमिस्ट्री लेके आएगी, सिलेक्शन तो केमिस्ट्री ही कराएगी। हम हमेशा ये बोलते हैं एज टीचर्स कि यार सिलेक्शन केमिस्ट्री से होता है, रैंक फिजिक्स और मैथ्स से आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं टोटल, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये जनरली थोड़ा सा रटने वाली तरफ ज्यादा होती है। जो केमिस्ट्री बदनाम है वो इन दोनों पार्ट के कारण है। फिजिकल केमिस्ट्री तो फिजिक्स के जैसी और मैथ्स के जैसी होती है। जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है, जिसकी फिजिक्स और मैथ्स अच्छी है वो फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छी कर लेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, फिजिकल में क्या करना है, ये चीजें मैं अभी डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा, पार्ट बाय पार्ट वो सारी चीजें होगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि पहले जनरली फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती थी, आजकल तीनों को बराबर वेटेज दिया जा रहा है पिछले 4 और 5 साल से, तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये जनरल पॉइंट है, ये टिप नहीं है। टिप नंबर 1 तो ये थी कि मिनिमम टाइम मैक्सिमम मार्क्स, सिलेक्शन पक्का, तो आप केमिस्ट्री को चिपका के रखना अपने गले से, अपने बच्चे की तरह उसको बांध के रखना अपने साथ। 3 पार्ट होते हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। अब टिप नंबर 2, आपको अपने एक्सपेक्टेशन सेट रखने पड़ेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो मान लेते हैं हम न्यूटन आइंस्टीन के खानदान से, हम जो भी पढ़ेंगे हमको पहली बार समझ में आ जाएगा। ऐसे ही जेईई नीट को दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम्स नहीं कहा जाता। आपकी केमिस्ट्री में 35 से 38 चैप्टर हैं कुल मिलाकर जो आपको 2 साल में पढ़ाई करनी है। उसमें से हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको पहली बार में समझ में नहीं आएगा, जहां पे आप जाके अटकोगे। हर चैप्टर में थोड़े बहुत एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे जो आपको याद करना पड़ेगा। एक बात बताओ, जनरली बच्चे क्या करते हैं, मेरे लाखों बच्चों के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, बच्चे पूरी केमिस्ट्री को समझ लेते हैं केमिस्ट्री बेकार है। पीरियोडिक टेबल में उनको 5 एक्सेप्शन दिख गए, सर पीरियोडिक टेबल पूरा चैप्टर खराब है, केमिस्ट्री पूरी खराब है, केमिस्ट्री याद करने वाली है, इसमें एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन होने ही थे तो थ्री क्यों नहीं, इतनी सारी चीजें बच्चे बोलने लग जाते हैं केमिस्ट्री को। फाइनली उनका मन खराब हो जाता है, मन करता ही नहीं है पढ़ने का। एक बार बताओ, आपकी दाल में अगर कंकड़ आ जाता है तो पूरी दाल फेंकते हो कि कंकड़, सर पूरी दाल फेंक देते हैं, फिर मम्मी जो मारती है उसका क्या, नहीं सर कंकड़ फेंकते हैं, सही तरीका है। तो एक्सपेक्टेशन पहले से सेट रखना। आप न्यूटन आइंस्टाइन के खानदान से नहीं हो, उनके भी खानदान से हो तो उनको भी डिस्कवरियां करने में बहुत टाइम लगा था, आपको समय लगेगा चीजों को समझने में। यह बोर्ड का एग्जाम नहीं है, यहां पे टफनेस लेवल ज्यादा हो जाता है।
कुछ चैप्टर्स आपको अभी से बताए तो हम परेशान करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ कंसेप्ट आपको परेशान करेंगे, दिमाग में नहीं घुसेंगे। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग का सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट अभी पूरा नहीं बताऊंगा, अभी आप उतना जज कर भी नहीं पाओगे क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, पर ये बता रहा हूं कि अगर कहीं पे अटक जाओ तो पहले से एक्सपेक्टेशन बांध के चलना, आज से डे वन से शुरू कर लो कि यार कहीं ना कहीं पे तो अटकूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना अटके मैं पूरा आगे बढ़ जाऊं। टफेस्ट एग्जाम है फॉर अ रीजन, सिर्फ कॉम्पिटिशन के कारण टफ नहीं है ये एग्जाम, ये इसलिए भी टफ है क्योंकि इंडिविजुअल चैप्टर्स में जान निकल जाती है। हिरल गर्गो, आयुष अग्रवाल, ये सारे 99.5% से ऊपर वाले बच्चे हैं, इनको मैंने तड़पते हुए देखा है थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम के कारण, नहीं समझ में आता 15-15, 20-20 दिन तक, तो ऐसा होगा, ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत नॉर्मल सी चीज है, घबराना मत, लगे रहना, लगे रहने से ही होगा। ये होगी टिप नंबर टू। टिप नंबर थ्री, आपको केमिस्ट्री को सिक्वेंस में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लूं बाद में पीरियोडिक टेबल पढ़ूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिना मोलैरिटी जाने लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ लूं जो क्लास 12th का चैप्टर है, एक सीक्वेंस में पढ़ना, पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे फिर ब्लॉक्स पढ़ेंगे फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे जो क्लास 12th का टॉपिक है, रैंडमली बीच में से उठा के केमिस्ट्री मत पढ़ना। 90% लोग इसी कारण मरते हैं क्योंकि वो केमिस्ट्री को कहीं से भी उठा के पढ़ लेते हैं, पर केमिस्ट्री इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री उतना इंटर रिलेटेड नहीं है, उसमें आप फिर भी इंडिविजुअल चैप्टर शायद समझ सकते हो, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली इंटर रिलेटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको पढ़ना ही सीक्वेंस से पड़ेगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप गलती से कभी सीक्वेंस बिगाड़ लो अपनी, तो खुद से यह सवाल पूछ लेना कि क्या जो मेरे को चीज समझ में नहीं आ रही वो पीछे के चैप्टर से तो लिंक्ड नहीं है, ठीक है। टिप नंबर फोर, आपको अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं। बहुत सारे बच्चे मक्कारी की आदत के कारण या मिस इन्फॉर्मेशन के कारण या मिस गाइडेंस के कारण दूसरों के नोट्स प्रिंट करा के ले आते हैं या जेरोक्स की दुकान पर जाके एकदम वहां के नोट्स ले लेते हैं या कहीं से भी नोट्स जुगाड़ लेते हैं। केमिस्ट्री में खुद के बिना बनाए नोट्स के काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा केमिस्ट्री को दिमाग में उतारने के लिए, और ऐसे वैसे नोट्स नहीं, आपको मार्किंग के साथ वाले नोट्स चाहिए। अब सर मार्किंग कैसे करनी है, इसके लिए सारांश गुप्ता सर जो ईसरल में है जिनकी ऑल इंडिया रैंक 41 आई थी, प्योरली सिस्टमैटिक तरह से पढ़ाई करने के कारण उन्होंने वीडियो बना रखा है कि नोट्स को कैसे बनाना होता है विद मार्किंग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आज के वीडियो में आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी मिलने वाले हैं, तो एकदम एंड तक चिपक के रहना अगर एक्चुअली में केमिस्ट्री फोड़ना चाहते हो, साथ में लिखते जाना। टिप नंबर फोर है कि सेल्फ मेड नोट्स मार्किंग के साथ, बहुत दिक्कत आएगी आपको, आपका दिमाग खराब होगा, सर हाथ घिस रहे मेरे 10 बॉल पेन खराब हो गए सर, लिख लिख के खत्म हो गए, पर ये केमिस्ट्री के नोट्स खत्म नहीं होते। आपकी सबसे बड़ी पूंजी जेई नीट की तैयारी में अगर केमिस्ट्री के लिए कुछ है तो वो आपके खुद के नोट्स हैं, और कोई भी चीज आपको इतने मार्क्स नहीं दिला सकती जितने आपके खुद के नोट्स दिलाते हैं। हमारे नोट्स हमारे होते हैं, हमको पता होता है उनमें स्ट्रांग क्या है, मीडियम क्या है, वीक क्या है। मार्किंग करो और भर भर के मार्क्स पाओ, ये ही वो है। एग्जैक्टली सेम टेक्निक को यूज करके मेरे खुद के IIT में 85% मार्क्स आए थे, जिसने मुझे IIT बॉम्बे में पहुंचाया। एग्जैक्टली मैंने अपनी पूरी पढ़ाई इसी तरीके से करी थी जिससे मैं IIT बॉम्बे में पहुंचा। बाकी दोनों सब्जेक्ट में थोड़े रिलेटिवली कम मार्क्स थे, इसमें मैक्सिमम मार्क्स आए क्योंकि मैं ये सारी चीजें करता था। डे वन से अपने नोट्स बनाए, इंडेक्स बनाया, मार्किंग करी, सारी चीजें जो सारांश गुप्ता सर ने उस वीडियो में बताई है, एक एक चीज को फॉलो किया था। तो अपने नोट्स बनाना डे वन से, कोई भी तुमसे बोल दे दूसरों के नोट्स काम नहीं आएंगे, इवन अगर तुम्हारे पास AR1 के भी नोट्स हो ना वो भी काम नहीं आएंगे, तो इसका ध्यान रखना खुद के नोट्स बनाने। अगला टिप, सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा, यहां पे एक्चुअली ये ई भी आना चाहिए था, गलत है, सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर हमने लेक्चर्स देख लिए, सर हमने 10 बुक से थ्योरी पढ़ ली, अब हमको केमिस्ट्री में नंबर आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आपको थ्योरी पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की बात करूं तो 50-60% टाइम थ्योरी में जाता है, 40-50% टाइम क्वेश्चंस में जाता है, पर अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो 30% टाइम आपको थ्योरी पढ़नी है, 70% टाइम आपको क्वेश्चन करने है। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा थ्योरी की तरफ ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक एकदम 50-50 होता है, और फिजिकल क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा होता है, पर इनऑर्गेनिक में भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। बिना क्वेश्चन करे आपका कुछ भी नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस करने हैं। ज्यादातर बच्चे जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं करते नोट्स रट रट के चल जाते हैं, किताबें रट रट के चल जाते हैं, एग्जाम में अंडा पाते हैं। तो अगर आपको अंडा चाहिए तो क्वेश्चन मत करना, और अगर अंडे के आगे एक 1 और एक 0 भी चाहिए तो क्वेश्चन कर लेना, मतलब 100 चाहिए
तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, किसी भी हालत में क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बिना क्वेश्चन के नहीं होता, ठीक है। तो ये याद रख लेना, अपने दिमाग में इसको घुसा लो कि थ्योरी से कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन भी करने होंगे, ठीक है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिविजन, आप कोई भी चीज को एक बार देख लोगे आपके दिमाग में नहीं जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ सिलेबस बहुत ज्यादा है। सैडली आप लोग कंप्यूटर नहीं हो, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में एक चीज घुसा दी और वो मेरी चीज हो जाएगी, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वापस से पढ़ना पड़ेगा, फिर एक महीने बाद वापस पढ़ना पड़ेगा। अमिताभ जी की मैंने एक पोयम पढ़ी थी कि वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। केमिस्ट्री में बार बार आपको नोट्स के पास वापस आना पड़ता है, इसलिए बोला सबसे पहले कि नोट्स बनाओ, नोट्स में जितना मार्किंग कर लोगे रिविजन उतना ही कम टाइम में हो जाएगा। तो नोट्स आपकी जिंदगी है केमिस्ट्री में, उस जिंदगी की खुशी है नोट्स में मार्किंग। मार्किंग नहीं करोगे तो इतना ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा हर बार कि आप केमिस्ट्री को छोड़ दोगे, एक साइड में पटक दोगे, सिर्फ फिजिक्स मैथ्स पे ध्यान दोगे या फिजिक्स बायोलॉजी पे ध्यान दोगे डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रीम, और एग्जाम के बाद बहुत रिग्रेट मारोगे फॉर श्योर, ये पक्का है। तो भैया रिविजन जो है वो केमिस्ट्री के लिए एब्सोल्यूटली नेसेसरी है, एक बार नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैंने खुद मिनिमम 6 से 8 बार अपने नोट्स पढ़े थे सारे चैप्टर्स के, तब जाके मेरे को केमिस्ट्री की फील आनी शुरू हुई थी। तो आपको रिवाइज देन रिवाइज देन फिर से रिवाइज करते रहना पड़ेगा। ई सरल ने आपकी मदद के लिए, ताकि आपका ये साइकिल छोटा हो सके, सारे माइंड मैप्स आपको दे रखे हैं एक सिंगल जगह पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना, उससे ज्यादा पावरफुल चीज कोई है ही नहीं। लंच करते टाइम, डिनर करते टाइम, जब आपको डर लगने लग जाए कि बहुत सारी चीजें हो गई और मैं भूलता जा रहा हूं, अभी नहीं लगेगा, 2 महीने बाद लगेगा, पर अभी से बता रहा हूं, माइंड मैप्स रख लो, हर 7 दिन में जो चैप्टर होता जाए उसको रिवाइज इनसे भी करते जाना। तो ये आपके लिए फ्री रिसोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्री रिसोर्स है, नीचे मिल जाएगा। अब बात आती है टेस्ट की, हमने चैप्टर पढ़ लिया साहब, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिर हम मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ गए, पीरियोडिक टेबल भी पढ़ गए, अच्छी फील आ रही है, सवाल हो रहे हैं, आहा बहुत बढ़िया, चीजें याद भी हैं। अब हम एक साथ जाते हैं साहब जेईई मेन के एग्जाम में 2023 में, वहां पर हमारे केमिस्ट्री में नंबर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमने टेस्ट ही नहीं दिए। यार जब आप घर पे बैठ के टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप गलतियां क्या कर रहे हो? कई बार हमको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट हमको आईना दिखाता है, टेस्ट हमको यह बताता है कि यार रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो टेस्ट देना एब्सोल्युटली नेसेसरी है, जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा उसके नंबर नहीं आएंगे, ये भी पक्का है। ये देखो, ये सारी गलतियां मैं आपको बता रहा हूं जो दूसरे बच्चे करते हैं, जिसके कारण 90% का सिलेक्शन नहीं हो पाता, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। टेस्ट दो, नंबर पाओ, टेस्ट मत दो, रिग्रेट पाओ, ठीक है। अगली टिप, PYQs करने हैं। यार जेईई मेन में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये कैसे पता चलेगा? जेईई मेन के पिछले साल के क्वेश्चन करके, नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेवल क्या होता है, कितने क्वेश्चन करने, स्पीड क्या होनी चाहिए, वो मैं मैनेज कैसे करूंगा, ये कैसे पता चलेगा? PYQs करके पता चलेगा। एडवांस्ड में कितनी डेप्थ में क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? PYQs से पता चलेगा। तो PYQs कर लेना यार, ये वैसे भी बड़ी प्यारी चीज होती है। PYQs अगर हमसे हो गए, मतलब हम उस लेवल तक पहुंच गए, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता रहता है। तो PYQs आर सुपर इंपॉर्टेंट। अब बात आती है, जो मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर एनसीईआरटी करनी है कि नहीं करनी है। जब मैं पढ़ाई करता था तो साथ में हर चैप्टर के बाद एनसीईआरटी पढ़ता जाता था, बैकलॉग क्रिएट नहीं होता था, एक कॉन्फिडेंस बना रहता था कि एनसीईआरटी भी कर ली। देखो यार, पीछे के क्वेश्चन करना नेसेसरी नहीं है, मुझे तो नहीं लगते। 12th क्लास में कर लेना, अभी 11th क्लास में पीछे के एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना नेसेसरी नहीं है। बस एक बार रीडिंग मार लो एनसीईआरटी की, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन करते जाओ, ये काम करना है एनसीईआरटी के साथ साथ। पर ऐसा मत करना 4 महीने हो गए, 5 चैप्टर पढ़ लिए, 5 चैप्टर के एनसीईआरटी एक साथ पढ़ने बैठ रहे हो, वो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बोरिंग काम होता है, उसमें बहुत वो होता है ना, जिल्लत सहनी पड़ती है, दिमाग को टॉर्चर बहुत होता है। तो एक चैप्टर करो एनसीईआरटी पढ़ो, एक चैप्टर करो एनसीईआरटी पढ़ो। अच्छा, PYQs के लिए बता देता हूं, आपको इनको हर चैप्टर करने के बाद करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए पीरियोडिक टेबल लेके बैठे एटॉमिक रेडियस कर लिया और एटॉमिक रेडियस के बाद क्वेश्चन ढूंढते फिर रहे कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आया था जेईई मेन में, जेईई एडवांस में, नीट में। नहीं, पूरा चैप्टर खत्म कर लो, सारे PYQs एक साथ लेके बैठ जाओ, उनको फिर सॉल्व कर लेना, क्योंकि इन सारे एग्जाम में इंटर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक चैप्टर के एक छोटे से पार्ट से क्वेश्चन आ गया, नहीं, 2-3 पार्ट को मिला के, 2-3 सब टॉपिक को मिला के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
अब फाइनल टिप और सबसे इंपॉर्टेंट टिप। देखो यार, टाइम नहीं है हमारे पास, मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी सारी चीजें बताऊंगा। जिसको ग्रैस्प करना है, जो सिंसियर है, वो इतनी जल्दी ग्रैस्प कर लेगा। 15 से 20 मिनट्स इनफ है ये पता करने के लिए कि केमिस्ट्री को स्टार्ट करना कैसे है। फाइनल टिप, केमिस्ट्री के अंदर मेन प्रॉब्लम ये होती है, मैं आपसे बोला था ना, एक चीज बताऊंगा जिसके कारण जो है 90% बच्चा सेलेक्ट ही नहीं हो पाता। मैंने आपसे क्या बोला कि भैया केमिस्ट्री जरूरी है सिलेक्शन के लिए। ठीक है भाई, हमको समझ में आ गया कि केमिस्ट्री जरूरी है सिलेक्शन के लिए। तो फिर यार मैंने AR1 देखे हैं जिनको केमिस्ट्री पसंद नहीं होती, AR2 देखे हैं जिनको केमिस्ट्री पसंद नहीं होती। JEE नीट की तैयारी करने वाले ज्यादातर बच्चों को केमिस्ट्री पसंद नहीं आती, क्योंकि वो रटने वाला उनको सब्जेक्ट लगता है। इनऑर्गेनिक में जब ब्लॉक्स आते हैं तो वो दिमाग खराब कर देता है। पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस बना के रखना है। पेपर के अंदर क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूजन आएगा कि नहीं आएगा, ये इस पे डिपेंड करता है आपका कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं तो आपको चीजें रिकॉल होगी। केमिस्ट्री के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को लगता है कि वो भूलते जा रहे हैं। कोई नहीं भूलता, आपने यार 5-6 बार नोट्स पढ़ रखे हैं, आपने इतने क्वेश्चन कर लोगे, आप इतने सारे टेस्ट दे दोगे, तो आप भूलोगे कैसे? तो जितनी कॉन्फिडेंस की मात्रा होगी उसी मात्रा में आपके नंबर आएंगे। कम कॉन्फिडेंस होगा तो नंबर भी कम आएंगे। तो केमिस्ट्री टोटली कॉन्फिडेंस बेस्ड सब्जेक्ट होता है। ठीक है, टू एंड दिस ये बोल दूंगा, इनऑर्गेनिक में नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्गेनिक में नोट्स प्लस क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक में आप नोट्स को रीरीड करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, साथ में आपको क्वेश्चंस भी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क करोगे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी दोबारा करना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में एक बार आपको फॉर्मूले याद हो गए, आपने डिराइव कर लिया, आपकी थ्योरी क्लियर हो गई, उसके बाद आपको नए नए क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, टेस्ट ज्यादा देने पड़ेंगे। ये केमिस्ट्री के 3 पार्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ज्यादातर बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते, उनका सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि यार थोड़ी मोड़ी जो कमियां हैं केमिस्ट्री में, सो कॉल्ड एक्सेप्शन हो गए, याद करने का ज्यादा जो भी है, उसके कारण वो केमिस्ट्री को कम टाइम देते हैं। 1-1.5 साल तक वो 80% अपना टाइम फिजिक्स और मैथ्स में लगा देते हैं, या फिजिक्स और बायो में लगा देते हैं, और उनको 1.5-2 साल बाद रियलाइज होता है, बड़ा सैड रियलाइजेशन होता है वो, कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद फिजिक्स में नंबर तो उतने ही आने थे जितने आने हैं, या बहुत अच्छे नंबर आ भी गए तो भी केमिस्ट्री के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि आपको केमिस्ट्री को बराबर टाइम देना है। अर्पित माहेश्वरी सर, ऑल इंडिया रैंक 2, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद थी, ज्यादा टाइम देते थे केमिस्ट्री को, ये चैंपियंस की खास बात होती है। अगर आपको केमिस्ट्री नहीं भी पसंद है ना, तो भी आपको उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और मैं कुछ बच्चों को जानता हूं मेरे जैसे को, जिनको केमिस्ट्री के day 1 से मोहब्बत हो गई थी, जिनको केमिस्ट्री से बहुत प्यार है। हम ये चिल्लाते फिरते हैं कि यार आई लव केमिस्ट्री। अगर आप खुद को पागल बना सको या फिर एक्चुअली में केमिस्ट्री से प्यार कर सको, आइदर वेज, तो केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन पक्का करवाएगी। तो भैया रोज जपना शुरू कर दो आई लव केमिस्ट्री, रोज जपना शुरू कर दो आई लव केमिस्ट्री, चाहे जो हो जाए आई लव केमिस्ट्री, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रीरीड करो, क्वेश्चन करो, टेस्ट दो, पर छोड़ना मत। जिस दिन आपने छोड़ दिया, केमिस्ट्री भी आपको छोड़ देगी, और केमिस्ट्री अगर आपको छोड़ देगी तो आपकी सीट भी, आपका सिलेक्शन भी आपको छोड़ देगा। ठीक है, तो ऐसे सेशंस अपन और लाते जाएंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और बहुत सारी नई चीजें इस सेरल में आपके लिए आने वाली है जो आपके लिए बहुत फायदा करने वाली है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं ऐसे ही जोश के साथ। यार आप पढ़ाई शुरू कर दो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। मैं अभी देख रहा हूं देश के इतने सारे बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, मई में चालू करेंगे, जून में चालू करेंगे, नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ईसरल में खुद, बहुत सारे बच्चे हंड्रेड्स में अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं 2022-23 के लिए। ये तो खैर 23 के लिए सेशन है, 23 के लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी शुरू कर चुके हैं। वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा लीड बना ले, उससे पहले अपनी तैयारी शुरू करें, ऑल द बेस्ट। और ये जो 10 पॉइंट्स को फॉलो कर लेगा वो केमिस्ट्री फोड़ेगा, ये पक्का है। मचाते रहो।